हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साथियों। बुक रिव्यू की सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक बुक लेके हाजिर हूँ, ब्राह्मण गोत्राब्दली। कुछ साथियों के कमेंट भी थे और इन दिनों मैंने इस किताब को पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसके नॉलेज को थोड़ा सा शेयर कर लूँ। ब्राह्मण गोत्रावली एक ऐसी किताब है जो ब्राह्मणों के बारे में कुछ इन डिटेल जानकारी देती है। वैसे तो पतली किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100 125 पेज की किताब है, लेकिन इसमें उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है जो कई बार दिमाग में उठते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को, युवा साथियों को भी नहीं पता रहता है उनके अपने मतलब गोत्र के बारे में, उनके अपने टाइटल के बारे में। तो उनको सॉल्व करने के लिए किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे शनाढ्य ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण, सरयपार वाले ब्राह्मण, उनके गोत्र, उनसे रिलेटेड, ब्राह्मणों की उत्पत्ति से रिलेटेड भी कुछ चैप्टर हैं जो इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह की सभी चीज़ों को देखने के, समझने के लिए आप इस किताब को प्रीफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन डिटेल नॉलेज तो नहीं है, बट एक फौरी तौर पे इतनी नॉलेज है कि एटलीस्ट आप आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन से ब्राह्मण हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि इसमें क्षेत्र वाइज उनका ब्यौरा दिया गया है कि कुछ समय पहले किस तरह, कौन से ब्राह्मण किस क्षेत्र में जाके बसे थे, अब वो ब्राह्मण किस क्षेत्र में हैं। तो ये राज्य बेस पे, क्षेत्र बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। आप इसको पढ़ के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बहुत छोटी सी किताब है, 40 50 रुपये या 70 80 रुपये के आसपास इसकी कीमत होगी। आप ज़रूर पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज ग्रोथ होती है, नॉलेज में ग्रोथ होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।